हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं टेस्टी एंड क्रीमी एकदम आसान तरीके से पायश। तो लेट्स स्टार्ट एंड एम्पावर योरसेल्फ। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखो, गोविंदो भोग राइस लिया है हमने 100 ग्राम। इसे 4 से 5 घंटा भिगो के रखना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसे बॉयल करना है और चावल को सॉफ्ट करना है और बीच बीच में हिलाते रहना है। तो दूध हम बारी बारी देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इसका टेक्स्चर बनेगा। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम खोया खीर को ग्रेट कर लेना है। और दूध देखो, मैं जब जब ये सूख रहा है बारी बारी में देते जाना है, तभी ये पायश बहुत अच्छा बनता है, क्रीमी और टेस्टी बनता है। और इसमें मैंने कुछ काजू में दूध डाल के पेस्ट बना लिया है, शुगर, बताशा, और यहाँ पर मैंने काजू किशमिश ले लिया है। तो ये काजू पेस्ट डालने से ये पायस जो है और भी ज़्यादा क्रीमी बनता है। तो इसमें मैंने दूध मिला के इसमें डाल दिया है, शुगर डाल देना है, बताशा डाल देना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा, वेल मिक्सअप हो जाएगा, तब हमें इसमें खोया खीर और काजू किशमिश डालना है। तो देखो ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। इसमें मैंने खोया और काजू किशमिश भी डाल दिए हैं। ये सब भी अलग अलग फ्लेवर इनके अंदर मतलब मिक्सअप होते हैं। तो ये आपको हिलाते रहना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो ठंडा होने से एकदम जमा जमा सा वो अच्छा नहीं लगेगा। पायस जो होता है ना, थोड़ा लिक्विड, थोड़ा मिल्क मतलब रनी होगा तभी अच्छा लगेगा। तो अब देखो ये पायस बन के तैयार है। मैं सर्व कर रही हूँ आपको गरम गरम। आप ज़रूर कोशिश करना और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ज़रूर करना। तो देखो इतना आसान तरीके से इतना टेस्टी पायस बन के रेडी है। तो आप इंजॉय करो, अब घर के लिए बनाओ, मेहमान को खिलाओ। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत टाइम भी बहुत कम लगता है। अब बना के आप स्टोर कर सकते हो। थैंक यू।